दोबारा ऐसे कभी मत जाना यासदीन। तुम्हें पता है कितने डर गए थे हम लोग। मैं सब फिर नहीं करूंगी मम्मी। और साई ने मुझे समझाया है कि मैंने जो किया गलत किया, और उससे आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है मैंने। आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बची, और उसे समझाने के लिए धन्यवाद। मालिक कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देता है। आप यासदीन का ख्याल रखिएगा। हम ये दवा रोज यासदीन को पिला रहे हैं। तो फिर ये बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। साई, पापा, अब अपनी साई के सामने वादा कीजिए कि आप मुझे यहां से कहीं नहीं लेकर जाएंगे। राम जी भला करें। चलो श्रीकांत। शुक्रिया पापा। श्री, इसे सुला दो। साई ने मेरी बेटी को बचाया और मैंने साई से झूठ बोला, लेकिन मैं तो वही कर रहा हूं जो मेरी बेटी के लिए अच्छा है। साई जितने भी अच्छे इंसान हो, वो वैद्य या डॉक्टर नहीं है। उन्होंने जो पानी दिया था उससे नुकसान होता, फायदा नहीं। हाँ, वो फकीर है, लेकिन यासदीन की बीमारी का इलाज उनके पास नहीं है, ये मैं जानता हूं। जानते हो श्रीकांत, शरीर हो या सोच, दोनों की बीमारी को एक वैद्य ही ठीक कर सकता है। बस उस वैद्य की पहचान होना जरूरी होता है। बलवंत, बलवंत रुक जा, रुक बलवंत। अरे बात तो सुन बलवंत। सुबह का समय पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये है कि बैठता ही नहीं है। काकी, कब से एक ही सबक पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बारिश कैसे होती है, इसलिए अब मैं और नहीं पढ़ना चाहता। तो समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाई छोड़ दोगे? हाँ, ये कहाँ की बात हुई। ऐसे करते रहोगे ना तो अनपढ़ रहोगे।
कोई नहीं, मैं बलवंत से बात करूं। करो, कोई इसे समझाओ, कोई इसे पढ़ाओ, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। चलो तुम्हारे काका के नहाने के लिए गर्म पानी निकालते हैं। हाँ चलिए। इतनी वाव! बताओ भाप कैसे आ गई इसमें? सुने कि आग से जब पानी गर्म होता है उसमें से भाप निकलती है। बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह हमारे नदी, नालों, समंदर में जो पानी होता है वो सूरज की गर्मी पाकर गर्म होता है और भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन वो भाप कहाँ है? दिखते क्यों नहीं? वो क्या है? बादल। वो भाप उड़ती उड़ती ऊपर जाती है और बादल के रूप में जमा होने लगती है। और तुम्हें पता है बलवंत, ऊपर जो हवा होती है ना वो बहुत ठंडी होती है, और जब वो ठंडी हवा उस भाप को लगती है तो जानते हो क्या होता है? क्या बात की? आ गए तुम? बाबा की दवाई लाए? हाँ आई। आई? मैंने कहा था कि मामन जी की सेहत का ख्याल मैं रखूंगी, आप ये दवाई मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें रोज समय पर दे दिया करूंगी। राधिका, तू सच में कर पाएगी? क्यों नहीं आई? श्रीपाद, एक बहुत जरूरी काम है, तुझे जल्दी से तैयार होके गोदाम जाना है, और तेरे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। विनायक, कुछ काम था? हाँ बाबा, दुकान को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ, कागज बन गए हैं, आप देख लीजिए एक बार। कागज देख के मैं क्या करूंगा, तुझे जो ठीक लगे कर। ठीक है बाबा। पाठशाला में अध्यापक जी ने महाभारत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे संजय को दिव्या दृष्टि मिली ताकि वो दूर से युद्ध को देख सके और धृतराष्ट्र को बता सके,
कल मैंने घर पे वो सब कुछ याद किया लेकिन आज भूल गया। क्योंकि मानस तुम उसे समझ नहीं रहे हो, सिर्फ याद कर रहे हो। और हम कोई चीज कितनी भी मेहनत से याद करें एक ना एक दिन भूल ही जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे एक बार अच्छे से समझ लें तो फिर वो कभी नहीं भूलते। तुम कक्षा के पाठ रटने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। समझकर विद्या ग्रहण करने से ही हम विद्या को अपने मन में संभाल कर रख सकते हैं। वैसे साईं, दिव्य दृष्टि क्या होती है? ये बताओ मानस कि तुम कहां तक देख सकते हो? माधव काका के घर तक। हर आम आदमी की नजर एक सीमा तक पहुंचती है, लेकिन जो उसके आगे देख सकता है उसकी दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है। यानी जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो दुनिया में कहीं भी क्या हो रहा है वो देख सकता है। बम्बई में भी और तुम्हारे मन में भी। साई, पर वो तो इतनी पुरानी बात हो गई महाभारत की, क्या आज भी किसी को दिव्य दृष्टि मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, सबको मिल सकती है, बस एक देवी की आराधना करके। कौन सी देवी? वही देवी जो सबको दिव्य दृष्टि देना चाहती है। उस देवी का नाम है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा इंसान को सोचना सिखाती है, सब कुछ देखने समझने की ताकत देती है। ये तो सच में आंख खुली नहीं रख पाए। क्या रक्तदाब के लिए ऐसी दवाई देना जरूरी है? फिर तो कोई भी कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। साई, इस घर में सब कुछ कितना अच्छा है, फिर मुझे अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कहीं कुछ है जो सही नहीं। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। माई, आपके घर के पीछे जो धतूरे का पौधा लगा है मुझे उससे एक फूल चाहिए। धतूरे का फूल? अभी लेकर आई साईं। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। क्या हुआ इसे? दीपू बेटा आके खोल ला। दीपू आके खोल ला बेटा। दीपू बेटा उठ रे। आओ चलो इसे साई के पास ले चलते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है माई। साई देखिए ना मेरे बेटे को, इसका पूरा बदन नीला पड़ गया है।
क्या हुआ इसे? कैसे हुआ ये सब? सर, यही जंगल के पास के मैदान में ये खेलने गया था। ये देखो, इसे उठाकर ऐसी हालत में यहाँ लेके आए। इन्होंने बताया कि खेलते खेलते इसने कोई जहरीला फल खा लिया है। लगता है उसी का जहर फैल गया है। कुछ कीजिए साई, कुछ कीजिए। माई, एक पतीले में पानी ले आना जिसमें इसके तलवे डूब सके। इसे नीचे रख दो। अब बच्चे के पैर इसमें डुबा दो। का मुंह खोलो। पर साई, धतूरे का फूल तो जहरीला होता है। हाँ साई, धतूरे का फूल तो और नुकसान पहुंचाएगा। श्रद्धा, सबूरी, मुंह खोलो इसका। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। तो बच्चे के लिए पानी लेके आ। अब अपने पैर बाहर निकालो। Oh,
साई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद साई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी भला करें। अंकुश जी। मालिक, रेलगाड़ी कब तक आएगी? बस आती ही होगी। ठीक है। आपके लिए खाना लाई थी। तुम इतनी दूर से खुद क्यों आई? किसी नौकर के हाथ भिजवा देती। फिर मुझे आपको गरम खाना खिलाने का सुख कैसे मिलता? बैठो। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि तुम ही खाना लेकर आओ। जिन लोगों की पत्नियां खाना लेकर आती हैं, वो बहुत खुश नजर आते थे। मैं उनको देखकर सोचता था कि एक दिन मेरी पत्नी भी ऐसे ही। बाबा को दोपहर की दवाई दे दी? जी। बाबा बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरे बाबा हैं, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान है, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उनकी दवाई अपने पल्लू से बांध के रखी है ताकि मैं कभी ना भूलूं। आपके बाबा, उन्होंने अचानक से काम छोड़ दिया, आपको इसमें कुछ अजीब बात नहीं लगी? लेकिन जब तबीयत ही साथ ना दे रही हो तो उनसे काम करवाना भी तो ठीक नहीं है ना। इसलिए दादा ने सारे काम की जिम्मेदारी ले ली, यहाँ तक कि वैद्य जी से मिलकर बाबा की दवाई भी उन्होंने शुरू की है। कौन से वैद्य? आप जानते हैं उन्हें? दिवाकर वैद्य। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, क्योंकि दादा खुद ही जाकर उनसे दवा लाने का काम करते हैं। तो क्या मामन जी को देखने कभी घर नहीं आते वैद्य जी? नहीं, वो शिरडी के बाहर रहते हैं। यहाँ तो किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना है, पर दादा कह रहे थे कि वो जहाँ हैं वहाँ उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, इसलिए वो बाबा को देखने नहीं आ सकते हैं। ये कैसे वैद्य हैं जो मरीज को बिना देखे इलाज कर रहे हैं? आप लोग तो साई को मानते हैं ना? साई बाबा ने तो कितनों के रोग ठीक किए हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखाया? दादा ने ही कहा था कि साई की कृपा से हमें पहले ही कितना कुछ मिला है, तो हर बात के लिए उनको क्या परेशान करना। साई ने हमें इस लायक बना दिया है कि हम किसी भी वैद्य को पैसे देकर इलाज करवा सकें, तो ऐसे में साई का समय क्यों बर्बाद करना। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, और उन लोगों के इलाज के लिए साई को समय देना चाहिए, ना कि हम लोगों के। वैसे कभी जरूरत होती है तो साई से उदी ले आते हैं। बैलगाड़ी आ गई है छोटे मालिक, सामान रखवा दीजिए। ठीक है। आप खाना छोड़ के मत उठिए, सामान मैं रखवा देती हूँ। ठीक है। ये लीजिए, ये रही रसीद और ये पैसे हैं। चलो भाई ला दो। में तो 90 रुपए लिखे हैं और ये 150 रुपए हैं, कहीं गलती से ये लोग ने ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए? सुनिए जी, आपने पैसे गिने हैं? सेठ जी ने गिन के दिए हैं,
50 बोरी के पैसे हैं। रसीद ने तो 30 बोरियां लिखी है। मैंने कैसे बताऊं कि हिसाब गलत है? इन्हें को पता चल जाएगा कि मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। बहुत मेहरबानी केशव भाई, लेकिन आप रोज हमारे लिए खाना लाते हैं, इतनी तकलीफ क्यों? आप साईं के मेहमान हैं, शिरडी के मेहमान हैं। आपके खातिर करना मतलब साईं की सेवा करना, शिरडी की सेवा करना। शिरीन ठीक तो कहती है, यहाँ के लोग सच में अच्छे हैं, गांव भी अच्छा है, बस यासदीन का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। यासदीन, यासदीन बेटा, यासदीन मेरी बात, यासदीन होश में आ बेटा, यासदीन। गुलाब जी आप चिंता मत कीजिए, साई सब ठीक कर देंगे। हम यासदीन को साई के पास ले, कुछ नहीं करेंगे आपके साई, कुछ नहीं कर सकते हैं वो। हमें यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए, क्या किया आपके साई ने? आप कहते हैं साई के दर्शन से भी उद्धार हो जाता है, यही मानते हैं ना आप? तो क्यों नहीं हो रहा है मेरी बच्ची का भला? अगर नहीं हुआ तो इसके पीछे कोई कारण होगा, लेकिन भला तो जरूर होगा। वो कब होगा ये साई ही तय करेंगे। केशव भाई ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कैसे भगवान है आप लोगों के, जो एक छोटी बच्ची को पहले तड़पने देते हैं और फिर उसे ठीक करेंगे? मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। शिरीन सामान बांध लो, हम आज ही बंबई वापस जाएंगे। लेकिन आपने तो बोला था कि... भूल जाओ मैंने क्या कहा था। अब मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अभी जाता हूँ और टांगा लेके आता हूँ। सौरभ जी, यासदीन, बोरियां रखवा दी? हाँ, सारी बोरियां रखवा दी। ये लीजिए रसीद और ये पैसे। ठीक है। इतनी बड़ी गलती हिसाब में, लेकिन मैं बोलू तो कैसे बोलू? क्या ये सच में गलती है या? राधिका, सारी बोरियां रखवा दी? हाँ। जेठ जी, एक बार हिसाब आप फिर से देख लीजिए। मेरे बाबा हिसाब को हमेशा 2-3 बार देखते हैं। मैंने देख लिया है, तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। कैसी बात कर रहे हो दादा? आपने देख लिया है मतलब हिसाब बिल्कुल सही होगा, वरना आपकी नजर से कुछ भी नहीं छुपता है। राधिका तुम घर जाओ, श्रीपाद और मैं हे जा रहे हैं, बाद में आएंगे। जी, चलती हूँ।
ये दवाई लेने के बाद मुझे बहुत नींद आती है। लेकिन आई ने कहा है आपको ये दवाई दिन में 3 बार देनी है, मगर हर बार ऐसे नींद आना तो ठीक नहीं है। पिछले कुछ साल से ऐसा ही हो रहा है। आपने पैसे गिने हैं? सेठ जी ने गिन के दिए हैं, 50 बोरी के पैसे हैं। असीद ने तो 30 बोरियां लिखी है, पर मैं इन्हें कैसे बताऊं कि हिसाब गलत है। व्यापार में नुकसान हो रहा है, मामन जी बीमार है, साई से इलाज ना करा के उनको नींद और कमजोरी वाली कोई दवा दी जा रही है। दोनों जगह एक ही इंसान शामिल है और वो है जेठ जी। क्या ये संयोग है या फिर राधिका? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी तुम गिर जाती। शुक्रिया काका। संभल के जाना। काका, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आप किसी दिवाकर वैद्य को जानते हैं? वो शिरडी से नहीं है, शिरडी के बाहर कहीं के हैं। दिवाकर वैद्य? मैंने यह नाम कभी नहीं सुना है। मेरे पिताजी यहाँ के मुखिया हैं और एकमात्र वैद्य। शिरडी के आसपास भी इस नाम का कोई वैद्य नहीं। अगर कोई वैद्य नया आया होता तो पिताजी को जरूर पता होता। अगर तुमको इलाज कराना हो तो तुम साईं के पास जाओ। शिरडी के आसपास के गांवों के दूर दूर के नगरों से लोग उन्हीं के पास आते हैं। जी शुक्रिया। संभल के जाना, ठीक है? अगर यहाँ कोई दिवाकर नाम का वैद्य नहीं है तो फिर भावजी ने ये नाम कैसे बताया और क्यों? और साईं के पास ना जाने का जो कारण भावजी ने बताया, इस पे भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस एक ही जगह मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। यासमीन बेटा। यासमीन। 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 ऐसे गोद में उठाकर कहां तक जाएंगे? शिरडी की सीमा पर बैलगाड़ी मिल जाएगी, सिर्फ वहां तक चलना है। यासमीन बेटा, थोड़ी देर बेटा। यासमीन। यासमीन। यासमीन बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? यासमीन। यासमीन होश में आ गया बेटा। यासमीन। यासमीन हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यासमीन। पानी। शिरिन पानी दो। जल्दी जल्दी में पानी रखना, भूल गए। शिरिन उस प्याओ में पानी होगा, लेके आओ। हाँ। यासमीन बेटा होश में आओ। यासमीन। यासमीन होश में आओ बेटा, होश में आओ। यासमीन पानी नहीं है इसमें। उस मंदिर में शायद पानी होगा, उधर चलते हैं। हाँ। यासीन बस थोड़ी देर बेटा। यासीन। यासीन बेटा थोड़ी देर। यासीन। 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 यासीन।
यासीन बेटा क्या हुआ इसे? तबीयत खराब हो गई क्या? हाँ तो थोड़ा पानी चाहिए था। हाँ यासीन देख पानी आ गया। पानी पी, पानी पी लो बेटा। दिन सब ठीक हो जाएगा बेटा। आपने सही समय पर पानी देकर मेरी बेटी की जान बचाई है। पानी नहीं, अमृत पिलाया है। ठीक तो होना ही था। अमृत जी, इस मटकी में साईं की उदी का घोल है। साईं की उदी का घोल मुझे दिखाइए तो। ये तो वही दवा है जिसे मैंने फेंक दिया था। लेकिन आप ये घोल लेकर यहां क्या कर रहे हैं? साई ने मुझे दिया था। अब्दुल प्रणाम साई। तुम खंडोबा मंदिर जाकर बैठो, वहां एक जरूरतमंद आएगा, उसे ये घोल पिला देना। किस्मत में जितना लिखा है उससे कहीं ज्यादा दर्द सहा है उसने। आपकी बेटी को देखते ही समझ गया था कि साई इसी की बात कर रहे हैं।
दवा की दुकान है मेरी, तुमको क्या लगता है कोई भी घोल पिला दूंगा मैं अपनी बेटी को? पास भी मत आना मेरी बेटी के। सब लोगों ने मुझे समझाया फिर भी मैंने नहीं सुना और आपने दिया हुआ घोल फेंक दिया और आपको क्या कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दीजिए साई, मुझे माफ कर दीजिए। वो इसलिए सौरभ जी क्योंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आप वही कर रहे थे जो आपको याज़दीन के लिए सही लग रहा था। लेकिन साई अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमजोरी भी नहीं है, अब तो मैं पाठशाला भी जा सकती हूँ, दूसरे बच्चों की तरह बाहर भी खेल सकती हूँ और सबसे बड़ी बात आपके साथ सुबह से रात तक बात भी कर सकती हूँ। ये सब होगा यास्तीन, तुम्हारा आगे का जीवन बिना किसी कष्ट के गुजरेगा। तुम हर वो चीज कर सकती हो जो तुम्हारी उम्र के बच्चे करते हैं। अब तुम्हें अपने घर लौटना चाहिए। लेकिन मैं तो आपके पास ही रहना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना यास्तीन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो याद कर लेना। लेकिन मैं शिरडी जल्दी वापस आऊंगी साई। साई, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की फिर भी आप मेरी बेटी की मदद के लिए आगे आते रहे, मुझे बहुत अफसोस है कि आपका दिया हुआ घोल मैंने फेंक दिया। सौरभ जी, जो हमारे जीवन में जरूरी है वो फेंक देने के बावजूद अपनी तरफ लौट आता है। श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में, सबूरी धरा के जैसी राखे जीवन में, राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साई सिखाए, भीत यही साई चरण में दे दे चढ़ाए, कुछ नहीं मांगे साई उनके सिवाय। हम कब क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, ये सब साईं की मर्जी पर ही निर्भर करता है। आज सही समय था, अगर मैं नहीं होता तो किसी और जरिए से आपको साक्षात्कार हो ही जाता। शुक्रिया साई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भला करें।
अब आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। चलो बेटा। चलती हूँ साई। राधिका दीदी, तुम यहां कैसी हो? अब साई के उदी का चमत्कार है। यासदीन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जो दुनिया भर की दवा ना कर सकी वो उदी के घोल ने कर दिखाया। मुझे दवा की पहचान है, बहुत अच्छे से पहचान है। बस देखकर बता सकता हूं कि किससे और किस बीमारी के लिए बनी है। और उदी, उदी के जैसी कोई दवा नहीं है, ये मैंने देख लिया है। काका, क्या आप बता सकते हैं ये गोली किस चीज की दवा है? ये दर्द कम करने की दवा है। ये दवा उनके लिए है जो बहुत तकलीफ में है। ये दवा उनका दर्द कम होने तक उन्हें सुला देती है। इससे कमजोरी भी बहुत आती है और इसका लंबे समय तक लेना इंसान के लिए प्राणघातक भी साबित हो सकता है। क्या हुआ? साई, मैं अगर थोड़ी जल्दी या थोड़ी देर से आती तो सौरभ जी काका मुझे नहीं मिलते और ना ही मेरा शक यकीन में बदलता। साई, उस घर में बहुत गलत हो रहा है। विनायक दादा मामन जी को गलत दवा देकर बीमार रख रहे हैं ताकि वो व्यापार में ध्यान ना दे पाए और इसका फायदा उठाकर दादा व्यापार में गबन कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं साई? मैं उन्हें सच बताना चाहती हूं, अपना भी और जेठ जी का भी। लेकिन क्या वो मेरी बात मानेंगे? राधिका, जब तुम परीक्षा देने जाती थी तो क्या नतीजे का डर लगता था? लगता था। क्या उस डर से तुमने परीक्षा नहीं दी? ये भी तुम्हारी परीक्षा ही है राधिका, बुद्धि की नहीं जमीर की। नतीजे का डर स्वाभाविक है, लेकिन उस डर से परीक्षा ना देना भी गलत है। तुम्हारे जमीर को जो सही लगे वो करो। मैं समझ गई साईं। मगर याद रखो राधिका, जमीर का इम्तिहान जीवन का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। और मैं ये भी जानता हूं कि सरस्वती माँ की उपासना करने वाला कोई इंसान अगर इस परीक्षा में सफल हो सकता है तो वो तुम हो। मैं तैयार हूं साईं। सच बोलने का मुझे
जो भी परिणाम भुगतना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अब मेरे मामन जी की जीवन रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए मेरी सच्चाई का सामने आना बहुत जरूरी हो गया है साईं। राम जी भला करें। काका, आई बाबा को कुछ मत बताइएगा। चलती। साईं, राधिका पर आपकी कृपा है, मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ अच्छा ही होगा। चलता। राम जी, राधिका को हिम्मत दीजिए, बहुत सारी हिम्मत, क्योंकि वो नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। मामण जी, आपको जो खबर मिली है वो झूठी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आपकी जमीन, आपका व्यापार कोई नहीं हड़प सकता। मैं कैसे पता चला कि अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं है? तुम तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं हो। सरस्वती की तलाश में घर से बाहर भटकता रहता है, तो कोई सरस्वती को ही बाहर कर देता है। लेकिन सरस्वती माँ वो हैं जो अपने बच्चों को ढूंढकर उन तक पहुंच ही जाती है। अब वक्त आ गया है शिरडी की सरस्वती को उसके मंदिर तक पहुंचाने का। जवाब दो, अनपढ़ होकर कैसे पढ़ लिया तुमने ये समाचार पत्र? शक तो मुझे पहले से ही हो गया था जब इसने बाबा की बीमारी का इलाज किया था, लेकिन अब यकीन हो गया है। एक अनपढ़ ने बलवंत को पढ़ाई का महत्व समझाया, जिसे खुद पढ़ाई में रुचि नहीं है, वो ऐसे कैसे कर सकती है? लेकिन हम सब इसकी चिकनी झुपड़ी बातों में आते रहे। शर्म नहीं है तुम्हें इतना बड़ा धोखा देते हुए?
वो भी भाऊजी जैसे संत आदमी को। भाऊजी, हमने तो शादी से पहले ही कुछ नहीं छुपाया था और इन्होंने तो कितना कुछ छुपा दिया। पूछिए इससे कहां तक पड़ी है ये। मैट्रिक लोगों को सच बताने ही वाली थी कि मामन जी की तबीयत। लेकिन ये सब बातें तो शादी से पहले बताने की होती है। तुमने झूठ बोला, तुम्हारे आई बाबा ने झूठ बोला। हम मजबूर थे आई, मेरी बात तो सुनिए। तुमने ये बात क्यों छुपाई? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? श्रीपाद का सच हमने शुरू में नहीं बताया था तुम्हें? और पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर आगे चलकर लोगों को धोखा ही देना है? ये रसीद भी पढ़ रही है और रुपए भी गिन रही है, मतलब मेरा शक सही था। ये पढ़ी लिखी तो है और इसे मेरा घपला भी समझ आ चुका होगा। इससे पहले कि घर जाकर मेरी असलियत बता दे, मुझे इसका इंतजाम करना होगा। नहीं दादा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ श्रीपाद, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी गलतफहमी साबित हो। लेकिन अगर सच हुआ तो? लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगी? और घर की बहू पर इस तरह शक करना ठीक नहीं है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। मैंने एक तरकीब सोची है जिससे सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। आपने तो सचमुच कमाल कर दिया, सारा सच सामने आ गया। मैं जानती हूं आप सबको ये जानकर बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मेरा सच सामने आने के बाद भी तो मैं वही राधिका हूं जिसे आप लोग आज सुबह तक अच्छी बहू कह रहे थे। ऐसा तुम्हें लगता होगा, हमारे लिए सब कुछ बदल गया है, क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि तुम अच्छे परिवार से हो, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा पूरा परिवार ही झूठा है, जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। धोखा हुआ है मामन जी, लेकिन मर्जी से नहीं, मजबूरी की वजह से। और मामन जी, मेरे और मेरे परिवार से भी बड़ा धोखा किसी और ने किया है आपके साथ, वो भी किसी अपने ने।
क्या बेकार की बातें किए जा रही हो? खुद पकड़ी गई तो मुद्दा भटकाना चाहती हो? हमें तो तुम पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। और जिस पर भरोसा ना हो उसे अपने घर में रखे, इतने बड़े दिल वाले हम नहीं हैं। मैंने यह फैसला किया है कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। अभी तो आप लौटे हैं बाहर से, शाम के प्रवचन का समय हो रहा है, लोग आते ही होंगे। अगर कर्म ना करें तो प्रवचन की सार्थकता ही क्या? श्रीकांत, कल सुबह द्वारका में ही आ जाना। जी, कोई काम है साईं? एक पुराना काम पूरा करना है। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए।